गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपके क्लास टेंथ का पहला पाठ है, सूरदास द्वारा रची। ये चौथा पद है। इसके पहले तीन पद आप लोगों को बताया जा चुका है। चौथे पद में उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है गोपियों को, गोपियां उस संदेश को राजनीति बताते हुए उद्धव से क्या कहती हैं, वही इसमें बताया गया है। हरी है राजनीति पर्याय, गोपियां कहती हैं कि आप राजनीति पढ़ के आए हैं, आपको मेरे प्रभु श्री कृष्ण राजनीति पढ़ा दिए हैं। वो खुद राजनीति तो करते ही हैं, आपको भी राजनीति पढ़ा दिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और तुम हो कि उनके बातों को समझते हो और आके वही समाचार हम लोगों से कहते हो, हमारे दिल की बात नहीं समझते हो। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ायो पढ़ायो। एक तो तुम पहले से ही चतुर हो और ऊपर से तुमको गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, मतलब तुम्हें और चतुर बना दिए हैं और समझदार बना दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठायो पठाई। यहां कहा जा रहा है लेकिन उनकी बड़ी बुद्धि को हम लोग जानते हैं, मुझे पता है उनके बढ़ी हुई बुद्धि को जो वो संदेश तुमसे भेजवा रहे हैं, जो संदेश तुमसे पठा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। यहां बताया गया है कि भले लोग तो वो होते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं, परहित डोलत धाए, जो दूसरों के भला के लिए तत्पर रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो तो दूसरों का भला कर ही नहीं रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहते चुराए। ठीक है, हम लोग अपने मन को वापस कर लेंगे, मैं अपने मन को वापस कर लूंगी, जो उन्होंने क्या किया था, चलते हुए रास्ते में चुरा लिया था, चलते हुए उन्होंने चुरा लिया था। यहाँ गोपियां कहती हैं कि कृष्ण चलते हुए हमारे मन को चुरा लिए हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ बताया गया है कि वो अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरों को नीति का पाठ पढ़ाते हैं, उनको अनीति नहीं करना चाहिए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म तो यह होता है कि वो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा को सुख दे, प्रजा को शांति दे, लेकिन हमारा तो चैन ही छीन लिए हैं वो। मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ और वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। यही जो है आपके क्लास टेंथ के पहले पाठ में सूरदास द्वारा रचित चौथा पद है। ये आप लोगों का पहला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।